हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बहुत ही शानदार ट्रिक देने वाला हूँ। उससे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आपने मेरा पिछली वीडियो देखी जो मैंने केमिस्ट्री की डाली थी, किस चीज़ की, पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स। प्लीज़ उसको ध्यान से देख के याद करिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बनाई हुई है और कुछ मेरे टीचर्स ने दी थी मेरे को और कुछ मैंने उसमें अपने यहाँ दिमाग लगा के कुछ जोड़ा जाड़ी करी। और उसको ज़रूर देखिए, नहीं देखिए तो एक बार मेरे चैनल पर उसको जाकर देखिए। पहली वीडियो है और आज मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि हमारा किस में आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ओके करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, वन सेकेंड, ये पेन पता नहीं क्या हो गया, इसको चल नहीं रहा है ढंग से, वन मिनट, करंट इलेक्ट्रिसिटी ओके ठीक। अब क्या करना है देखिए, मैं बताता हूँ आपको, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको बचपन से पढ़ते आए होंगे, बचपन मतलब किस क्लास में पढ़ा होगा आपने व्हीटस्टोन ब्रिज, सीधी बात है, टेंथ में पढ़ा होगा बिल्कुल, और ट्वेल्थ में पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ओके। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है तो सीधी सी बात है आपने व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सा पढ़ा होगा, सबसे पहले तो आपने बैलेंस्ड तो पढ़ा ही होगा। बैलेंस्ड में देखिए क्या होता है, जिसमें याद रखिएगा बैलेंस कैसे पहचानना है और अनबैलेंस कैसे पहचानना है, मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं देखना आपको, बस छोटी सी चीज़ देखनी है, देखिए जैसे हमारा ये रजिस्टर मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ओ, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा 4 था ठीक। अब आपको क्या देखना है, मान लो हमारा जो ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देख लो, मतलब 1 जो रेजिस्टेंस है इंटू 3, और जो हमारा ये 2 रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, इंटू 2 इंटू 4 ठीक, मतलब ये हमारा 3 इंटू 1, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन और इस वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर है, तो वो हमारा सीधी सी बात है क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आप लोग सीधी सी बात है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं आप, क्या हर कोई यही करता है कि क्या करता है, मैं बताऊं, लोग क्या करते हैं इसमें, इस चीज़ को कट कर देते हैं सीधी बात, और इसको क्योंकि इसको मैं अच्छे से आपको बताता हूँ, वन सेकेंड, ये देखिए जैसे ये है हमारा, इसको हम खोल दे रहे हैं थोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज को ओके। ये देखिए हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज खुल गया है, ऐसे मान लीजिए 1 मान लीजिए ठीक, इसको 3 मान लीजिए, इसको 2 मान लो, उसको कुछ भी मान लीजिए जैसा है आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ ठीक ओके। तो इसमें आप लोग क्या करते होंगे मैं बता रहा हूँ, इसको हटाया सीधी बात, अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ा ठीक, तो फिर आप सीरीज में जोड़ के एक सिंगल बन जाएगा, ऊपर ऐसे ही नीचे सिंगल बन जाएगा ठीक। अब तो ये तो भाई सीधी बात 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओ ख़त्म करो, लेकिन मैं इससे भी एक शानदार ट्रिक दे रहा हूँ, चलो ये तो आपको बैलेंस में लग जाएगा, या जैसे बहुत से लोगों को बैलेंस चेक करना भी नहीं आता, सीधी बात है मैं बताऊँ, अगर बैलेंस चेक भी नहीं करना आता ना उसके लिए भी ट्रिक है, अगर ये कर ले रहे हैं आप सिंपल वाला तो बहुत अच्छी बात है, तो आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन अब मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन आंसर, मतलब
एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, सुन लो, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, दिमाग लगा के इसको याद करिएगा एकदम, ठीक। अब मैं लिखने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने एक नया व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया है। सब देखिए, पहले ऊपर हम लोग क्या लगाते थे, यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर लगाते थे, ये देखिए, ये हम गैल्वेनोमीटर लगाते थे यहाँ पर, लेकिन अब मैंने यहाँ पर एक मान के चलिए रेजिस्टेंस लगा दिया। कोई बहुत से क्वेश्चन नीट में, जेई में या बोर्ड में भी कई बार दे देते हैं, यहाँ बीच में आपको रेजिस्टेंस दे देते हैं, तो फिर आप कैसे करें, कोई आता तो है नहीं। तो आपको अगर पूरे का अगर वो निकालना है, आर नेट, क्या निकालना है, आर नेट, वो बहुत लोग निकाल लेते हैं, कुछ लोग किरचॉफ लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या लगाएंगे, लेकिन कुछ नहीं लगाना है, मैं बताऊँ आपको। अब बस मेरे पर भरोसा रखिए, ये फॉर्मूला दिया है मैंने एक, ये है आर नेट का फॉर्मूला। इसको चाहे कैसे भी याद करो, अगरबत्ती जला लो, जो याद करो, चाहे गाने सुन लो, इस फॉर्मूले को रट लो किसी भी तरह। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वन सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, चाहे आपको भी इजी हो थोड़ा समझ में। अब देखो, जो ये आर वन दिया हुआ है यहाँ पे, हमें आर वन प्लस आर टू ऊपर दिया हुआ है, इसको एज इट इज़ याद रखना। हमेशा जो फॉर्मूला तुम लिखो, हमेशा तुम इसी उस पर लिखना, ठीक। अब जैसे ये है हमारा आर वन, और यहाँ हमारा एक आर वन दिया है, आर वन प्लस आर टू, इन दोनों का सम, इन दोनों का इन टू लिखो, फिर इन दोनों का सम, ये देना इन, मतलब आर थ्री प्लस आर फोर का सम, आर वन इन टू आर टू, ऐसे लिख दो, ठीक। ऐसे ही फिर अब क्या करना है, जो बीच में आर फाइव है, ये आर फाइव दिया हुआ है हमको ना, बीच में जहाँ गैल्वेनोमीटर होता, अगर हमें गैल्वेनोमीटर दिया है, सीधी सी बात है, तो वहाँ पे आप इस आर फाइव का, अगर उसने रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया जाता है, अगर आर फाइव का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इस मान को रखेंगे आप आगे, अगर नहीं दिया तो आप यहाँ आर फाइव की वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे, तो ये पूरा नंबर ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही पूरा नंबर ज़ीरो हुआ, तो नीचे का भी आर फाइव, ब्रैकेट में अंदर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर है, ये सब ज़ीरो हो जाएगा। बस फिर क्या रहेगा, आर टू प्लस आर फोर, मतलब फिर क्रॉस ये क्रॉस है ना, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, देखिए दिमाग लगेगा, क्रॉस में प्लस करना है, एक थोड़ा साफ़ कर दूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, वन मिनट थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, देखिए हाँ अब ठीक है, अब साफ़ है। अब ये है ना, आपको ये आर वन प्लस आर फोर, मतलब क्रॉस आपको प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करिए, इसको ऐसे करिए, ये लिखा इन टू, मतलब ब्रैकेट लगा के इसको इसको कर लीजिए, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है फॉर्मूला, हाँ ठीक, मैंने फॉर्मूला में वैल्यू आगे पीछे कर दी थी, इसलिए आप अब मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से करिए, क्रॉस क्रॉस ना करिए, अब आप जो मैं बता रहा हूँ आप उसको ध्यान दीजिए, ओके। कोई नहीं, ह्यूमन मिस्टेक है, होती रहती है। अब यहाँ दिया आर टू और आर फोर, अब ऊपर नीचे वाले को वो करिए, प्लस करिए, जो नंबर ऊपर दिया है और उसके अपोजिट वाले को प्लस करिए, इसको और इसको प्लस करिए, ठीक, इन दोनों को आपस में प्लस करिए, इन दोनों को प्लस करके जो नंबर आ जाए इनको इन टू कर देना, बस आंसर निकल आएगा। ये फॉर्मूला रट लो, या रट लो ये फॉर्मूला, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ओके ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसको रट लो, ज़िंदगी सवर जाएगी, मैं बता रहा हूँ, खुश हो जाओगे भाई। अभी तो ये तो चलो मैंने बैलेंस में बताया, अगर यही अनबैलेंस होता, मान लो अनबैलेंस कैसे के, अब जैसे मान लो ये जो बैलेंस में क्या होता है, जो आर वन की वैल्यू इनटू आर फोर की वैल्यू, ये बराबर होती है किसके, आर टू इनटू आर थ्री के, ओके ये इनटू हो गई है, यहाँ भी इनटू लिख लो, ये बराबर होती है। लेकिन सपोज़ करो
R1 इंटू R4 की वैल्यू बराबर ही नहीं, मीन्स की वैल्यू इसके बराबर ही नहीं हुई, तब क्या करोगे? तब कुछ नहीं करना, पहले पता है चेक क्या करना है आप लोगों को, मैं बताऊँ सही में। R1 इंटू R4 इन क्रॉस मल्टीप्लाई पहले चेक कर लो, इसका मल्टीप्लाई ओ अगर R1 का इंटू R4 का मल्टीप्लाई R2 इंटू R3 के बराबर आ रहा है तो देखो नॉर्मल फिट मेथड लगा सकते हो आप लोग। फिर जो बीच में चाहे कुछ भी दिया हो, चाहे यहाँ कितने भी रेजिस्टेंस दिए हो, बीच वाली लाइन में ना, ये तो थोड़ा साफ सुथरे ढंग से बता देता हूँ एक मिनट रुक के। अगर बीच में चाहे यहाँ कुछ भी दिया हो उसको आप नेगलेक्ट करके इन दोनों को सीरीज में लगाएंगे, इन दोनों को, उससे आसान मेथड नहीं है फिर, वो बच्चों वाला है जो बचपन से करते हैं, इन दोनों इसको सीरीज, इसको सीरीज से पैरेलल। लेकिन हाँ, अगर यहाँ कहीं आपको रेजिस्टेंस दिया है और इन इसका सम नहीं, इसका इनटू और इसका इनटू क्रॉस बराबर नहीं है, तो आपका ये रेजिस्टेंस है ना, ये नेगलेक्ट नहीं होगा, फिर आपको मेरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसे लगाएंगे झेल जाएंगे क्वेश्चन। इस फॉर्मूले को घोल के पी जाओ। R1 मैंने क्या दिया है, R2 क्या दिया है, R4 क्या दिया है, R3 मैंने क्या दिया है, ओके जो चीज़ मैंने जो दी है ना उसको वही लेके याद करना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा 100%। नहीं तो एक मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको। अब देखो जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है सीधी बात, अब चेक क्या करना है हमको, बैलेंस है कि अनबैलेंस है। और चलो यहाँ पे हमने दे दिया 1 ओम, ठीक, दिस इज़ 1 ओम, ओके। अब क्या करना है आपको कि पहले 3 और 6 को इंटू करो, 3 × 6 इज इक्वल्स टू 4 × देखो बच्चे तो हो नहीं, कैसे मल्टीप्लाई करके दिखाऊं मैं आपको, इतना तो आप मन में भी कर सकते हो कि ये 18 आएगा और ये 8 आएगा, तो ये इक्वल नहीं है। तो अब आपको क्या करना है मैं बताऊं, कुछ नहीं करना, जैसा बताता जाऊं वैसा करते जाइए। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ दिया हुआ है, ये जो भी फॉर्मूला है, किसी की देन है उसको धन्यवाद बोलो और इसके आगे हाथ जोड़ो। और कहीं पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ जाए गलती से ऐसा अनबैलेंस वीटस्टोन, बस मुस्कराना सबसे पहले, सही बता रहा हूँ, और याद करना कि हाँ मैंने यूट्यूब पर ब्राइट साइड नीट चैनल पर ये चीज़ पढ़ी थी। वो ऐसा कोई बताने वाला नहीं है कि आपको वीटस्टोन ब्रिज का भी फॉर्मूला दे दें, ऐसा बहुत कम ही कोई टीचर होगा जो आपको वीटस्टोन ब्रिज का भी ट्रिक देगा। और ये ट्रिक है, इसको रटो, उसके बाद यहाँ पे ये R1, ठीक है, ये R2, R3, R4, R5 सब की वैल्यू पुट करो और जो आंसर आ जाए कि बल्ले बल्ले। नहीं तो बहुत लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पर जैसे करंट दिया में मान लो 2 एम्पियर, यहाँ पे किरचॉफ लगाने लग जाएंगे। पहले तो आधे लोग तो यही दिमाग नहीं है कि हमें यहाँ पे करंट पूछा गया है कि रजिस्टेंस, अगर रजिस्टेंस पूछा गया तो क्यों करंट लगाओ भैया, ये बताओ। और लोग सोचेंगे नहीं हम तो इसमें करंट निकालेंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे, फिर वो घूमते ही घूमते रहते हैं वो लोग। कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो दिया है, क्यों दिया है, इसीलिए दिया है, ये ट्रिक मैंने क्यों बनाई है और जिसने भी मेरी मदद की है इस ट्रिक को बनाने में क्यों करा है, ये क्वेश्चन हो जाए इसलिए। प्लीज़ ये भी मैंने कहीं सुनी थी ट्रिक, उसको मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लो, मैं बता रहा हूँ, ये नीट में आने की संभावना है 2021 में ये आने की संभावना है, व्हीटस्टोन ब्रिज से कोई एक क्वेश्चन, याद रखना नीट में 2021, नीट में आने की संभावना है व्हीटस्टोन ब्रिज से। और बैलेंस कोई देता नहीं हलवा, क्वेश्चन देगा तो ऐसे ही घुमा के देगा या इस टाइप से देगा, देख लो मैं बता रहा हूँ किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बच्चे झेलते हैं इसमें। जैसे ये दे दिया मान लो कोई उठा के आपको, सीधी सी बात है, अरे हर कोई जाने, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं यहाँ पे, कोई भी 1 दे दिया 2 दे दिया 4 दे दिया 6 दे दिया 1 दे दिया ऐसे, अब निकालो बैठ के, कुछ नहीं करना आपको, ये वाला तार और ये वाला तार खींच देना है और ये डायग्राम ऐसा ही बन जाएगा कुछ कुछ, ये वाला, ये है ना जो, ये डायग्राम ऐसा ही बन जाएगा, करके देखना, ठीक, बहुत आसान है। चलो तो फिर विदा लेते हैं, और बस याद रखना है कि आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए,
ये ट्रिक्स आसानी से नहीं मिलती है किसी को। ओके, तो इसको एक बार फिर देख लो। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये, ठीक है। तो इसको आप जितना, लेकिन हाँ देखिए, हर किसी को मत बताइएगा ये ट्रिक, कहीं ऐसा ना पड़ोस में आसपास में बांटते घूम रहे हैं ये ट्रिक, क्योंकि ये ट्रिक बनाने में मेहनत लगती है। इस मेहनत का फल आप ही लोग दोगे, सीधी बात है। आपको क्या करना है, अच्छा अपने कुछ दोस्तों को दीजिए जिनको आप सच्चा मानते हैं, बस उन्हीं को दीजिए। देखिए आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी, तभी तो मैं अच्छी ट्रिक दूंगा। अभी आपको पता नहीं है मेरे पास कितनी ट्रिक्स भरी पड़ी हैं, मैंने उसमें केमिस्ट्री की वीडियो में भी बताया था आपको, बहुत ही ट्रिक्स, इतनी शानदार ट्रिक्स हैं, आपको किसी दिन मैं अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स दूंगा, तुम देखना तुम टॉप करोगे, सही बता रहा हूँ। देखो मेरा सपना तो कुछ और है, लेकिन क्या करें, हमने कहा चलो बच्चों को भी थोड़ा देखा जाए, क्योंकि क्या है आज की जनरेशन में लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, इधर उधर से बस रिमूव कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो ये आजकल कुछ है नहीं। मैं बताऊँ लोगों को क्या पैसा कमाना, सीधी बात, क्या करना है, रिमोट ले लिया हाथ में, बस इधर घुमाया उधर घुमाया, हो गई क्लास ख़त्म, ये मेरा सब्सक्रिप्शन है बेटा, ये ले लो वो ले लो, ये कर लो वो कर लो, इससे कुछ नहीं होता। मैं भी इन चक्करों में पड़ चुका था पहले, कि लोग पढ़ाते थे भाई सब्सक्रिप्शन, मैंने भी बहुत जगह सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब बस क्या था पैसा भर दिया, ना तो छोड़ सकते ना कुछ, पैसा भी बर्बाद जाएगा, तो इसलिए। और एलन आकाश भी इतनी अच्छी थी कोचिंग से, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी कोचिंग, बहुत अच्छी शानदार कोचिंग है, लेकिन क्या जैसे कुछ लोगों का पैसा नहीं है, सीधी बात यह है, नहीं जिनको वहाँ जा कर पढ़ना पड़ी है, ट्रिक वहाँ भी है, पढ़ाते तो अच्छे हैं, लेकिन निकलते कितने हैं आपको पता है, कुछ किसी को नहीं पता, इसलिए। सो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता हूँ, आप बस मेहनत करो, करते रहो और कोरोना से सेफ रहो। देखो कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो हमको जीना सिखा रही, बच्चों ने इतनी महामारी में भी एग्ज़ाम दिए पता है आपको, लेकिन डट के दिए। हाँ कुछ लोग हैं बीमार पड़ गए हैं, लेकिन कोई नहीं, प्रभु उनकी रक्षा करे। ओके, बस याद रखना बच्चों, पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ लिख के ही हम कुछ बनेंगे, नहीं, पर हार्ड वर्क करना ज़रूरी नहीं है इस आज के टाइम में। अगर मैं यही क्वेश्चन आपको दूसरे मेथड से बताता, जो लॉन्ग मेथड हर कोई करता है, डेफिनेटली आपको 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं है, अगर आप इसको एक बार करके तो देखिए, एक क्वेश्चन से नहीं होगा कुछ, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए। जैसे ये रट गया ना आपको एक बार, मैं गारंटी ले रहा हूँ, अब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या रेजिस्टेंस में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया आपका ना गलती से भी पेपर में, तो आप ना उसको फोड़ोगे नहीं, फाड़ के आओगे पेपर को, टीचर कहेगा भाई ये क्या करके आ गया बच्चा, मैं ये चाहता हूँ। ओके चलो बाय, गुड बाय, टेक केयर, कोरोना से बचो, दवाई लेते रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। ओके बाय, अगली वीडियो मेरी बायोलॉजी पे आएगी, कमेंट करो, शेयर करो। ओके बाय।